भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज अपने नए उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा यूपी के कुल 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। लिस्ट के मुताबिक मैनपुरी से जयवीर सिंह, बलिया से नीरज शेखर, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारस नाथ राय, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल और इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को चुनावी रण में उतारा गया है। बुधवार को जिन 9 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान हुआ, उनमें से 4 लोगों का टिकट काट दिया गया है। जिन उम्मीदवारों का टिकट कट गया है, उनमें फूलपुर से केसरी देवी पटेल, इलाहाबाद से रीता बहुगड़ा जोशी, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त और चंडीगढ़ से किरण खेरका का नाम शामिल है। गाजीपुर से पारस नाथ राय संघ से जुड़े रहे हैं। हालांकि वो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनको मनोज सिन्हा का करीबी माना जाता है। उनके बेटे आशुतोष रॉय भारतीय जनता युवा मोर्चा के यूपी अध्यक्ष रहे हैं। वहीं फूलपुर से बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल को टिकट मिला है। वे बीएसपी से भी विधायक रहे हैं। यूपी में बीजेपी ने अब तक कुल 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में 51, दूसरी लिस्ट में 13 नाम शामिल हैं, लेकिन एक उम्मीदवारों का टिकट बदला गया है, यानी कुल 12 नए नामों का ऐलान हुआ है। इस सूची में 7 नाम आए हैं। यूपी में 80 में से भी बीजेपी 75 सीटों पर खुद लड़ रही है। वहीं 5 सीटें सहयोगियों को दी गई हैं। जिन 5 सीटों पर अभी भी नाम तय होने हैं, उनमें रायबरेली, केसरगंज, भदोही, फिरोजाबाद और देवरिया शामिल हैं। इसके अलावा बाकी 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एसएस अहलूवालिया पार्टी से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं चंडीगढ़ से संजय टंडन को चुनावी समर में उतारा है। पिछले दिनों से आसनसोल सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा ने आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को अपना उम्मीदवार बनाया। एसएस अहलूवालिया का मुकाबला टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा से होगा।